आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला, एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का एक रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑर्डर के बाद जल्द ही, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, वो भी बाहर।